ऑल राइट, इम्प्लीमेंट करने वाले हैं हम बबल स्टार्ट को. ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं वॉइड मेन. सबसे पहले वो एरे जिसके अंदर वैल्यूज को हम सॉर्ट करेंगे. ए ही नाम का एरे ले लेते हैं, इसका साइज 20 डिफाइन कर देते हैं. अब रन टाइम पे इसमें वैल्यूज एंटर करेंगे हम. ठीक, इसके अलावा हमें एक वेरिएबल चाहिए के, के अलावा चाहिए एन. एन वो नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी जितनी वैल्यूज के साथ हम एरे को क्रिएट करेंगे. देन एक टेम्प्रेरी वेरिएबल चाहिए. टेम्प्रेरी वेरिएबल क्यों चाहिए? क्योंकि हम स्वैप कर रहे हैं वैल्यूज को, तो स्वैप इस तरीके से नहीं होती. पूर्ण प्रोग्रामिंग प्रोग्राम में अगर स्वैप करनी है तो हमें एक टेम्प्रेरी वेरिएबल लेना पड़ेगा. ठीक है, देन पीटीआर ले लेते हैं एक और वेरिएबल जो एल्गोरिथम में दिया हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पे भी उसका नाम पीटीआर ही दे दिया है. सी एल आर एस ई आर. फर्स्ट ऑफ ऑल एरे को क्रिएट करते हैं विद एन एलिमेंट्स. Enter n, enter number of elements. ये n के अंदर स्टोर होगा तो हम n के अंदर स्टोर करवा देते हैं. परसेंटेज d कॉमा एंटर ऑपरेटर n. n आ गया हमारे पास, अब हम एरे को क्रिएट करवाते हैं. एरे क्रिएट करवाने के लिए पहले एक प्रिंट ऑफ क्रिएट एरे विद परसेंटेज डी वैल्यूज. यहाँ ये बैक स्लैश जरूरी है, कितनी वैल्यूज के साथ क्रिएट करें? एन वैल्यूज के साथ. ऑलराइट, नाउ फॉर लूप. फॉर लूप में काउंटर वेरिएबल के लिया है, के को स्टार्ट किया जीरो से, के कब तक चले? जब तक के लेस या लेस है किसके? एन के. ठीक, के प्लस प्लस. नाउ इस फॉर लूप के अंदर हमें क्रिएट करवाना है प्रिंट ऑफ एंटर वैल्यू एट ठीक, देन स्कैन ऑफ, ये सेव कहाँ हो जाए वैल्यू, एड्रेस ऑपरेटर ऑफ ए ऑफ के. ठीक है जी, ये फॉर लूप क्रिएट कर देगा एरे. अब एरे क्रिएट हो गया हमारे पास और हमारे पास एन की वैल्यू भी है. यहाँ से हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपना एल्गोरिथम. ठीक है, एल्गोरिथम के अंदर दो फॉर लूप थे. पहला फॉर लूप लगाते हैं, फॉर लूप अगेन काउंटर वेरिएबल ले रहे हैं के को इनिशियलाइज किया जीरो के साथ, के कब तक चले? के तब तक चले जब तक वो लेस है किसके? एन माइनस वन के, देन के प्लस प्लस. अब इस फॉर लूप के अंदर दो स्टेप थे, वो दो स्टेप क्या थे? एक तो था पीटीआर वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहा था जीरो के साथ, दूसरा था व्हाइल लूप. व्हाइल लूप कब तक चल रहा था? व्हाइल पीटीआर इज लेस देन एन माइनस के माइनस वन. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन थी. क्या कंडीशन थी? इफ ए ऑफ पीटीआर इज ग्रेटर देन ए ऑफ पीटीआर प्लस वन. अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो स्वैप कर दे. अब स्वैप इस तरीके से नहीं करेगा, स्वैप करने के लिए वी नीड अ टेम्पररी वेरिएबल. मतलब हमें टेम्पररी वेरिएबल के अंदर सबसे पहले किसकी वैल्यू स्टोर करवाई? ए ऑफ पीटीआर की. ठीक, अब ए ऑफ पीटीआर को हम ओवरराइड करवा सकते हैं किससे? ए ऑफ पीटीआर प्लस वन. अब ए ऑफ पीटीआर प्लस वन में हमें पीटीआर की वैल्यू देनी है, तो वो हमने ऑलरेडी सेव करवाई है किसके? टेम्पररी वेरिएबल के अंदर. ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या हो रहा था? पीटीआर में इंक्रीमेंट हो रहा था. पीटीआर इज इक्वल्स टू पीटीआर प्लस वन. ठीक, ये तो था व्हाइल लूप के अंदर. व्हाइल लूप एंड हो गया, फॉर लूप एंड हो गया. ये कर देगा आपका डेटा को सॉर्ट. सॉर्ट करने के बाद अब एक दफा प्रिंट करवा के देखते हैं. प्रिंट करवाने के लिए अगेन प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट आफ्टर सॉर्टिंग एरे कंटेन्स अ
अब सिंपल, अरे को प्रिंट करवाना है फॉर लूप, काउंटर वेरिएबल के है हमारे पास, के को कब तक चलवाना है, के लेस देन इन, के प्लस प्लस। नाउ प्रिंट एफ, ए परसेंटेज डी इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी, यहाँ पे एक बैक स्लैश एन दे देते हैं, नहीं तो एक ही लाइन में प्रिंट कर देगा। अच्छा, अब इन दोनों परसेंटेज डी की जगह क्या प्रिंट हो, यहाँ पे पहले एक परसेंटेज डी की जगह प्रिंट हो के, दूसरे वाले की जगह प्रिंट हो ए ऑफ के। ठीक, देन गेट सी एच एंड टर्मिनेट, कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को। देयर इज वन एरर, क्या एरर दे रहा है, आई। अच्छा, मैंने यहाँ पे काउंटर की जगह आई लगा दिया है। के लेस देन एन, देयर इज नो एरर इन दिस प्रोग्राम। रन करते हैं, सबसे पहले कह रहा है क्रिएट करो भाई एरे विद एन एलिमेंट्स, 10 एलिमेंट्स के साथ क्रिएट करता है। ए ऑफ 0 पे दिया हमने 3, 2, 7, 11, 8, 1, 1, 9, 12 एंड लास्ट 4। आफ्टर सॉर्टिंग एरे कंटेन्स, दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बबल सॉर्ट। यू कैन सी दैट योर एरे इज नाउ सॉर्टेड। ठीक है, दोबारा से इसको एक दफा रन करके देखते हैं। दिस टाइम एरे को देखें, यहाँ पे हमने एरे के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज दी, मैंने इसलिए दी ताकि ये सॉर्ट करके उनको सही जगह पे रखे। दो वन है इसके अंदर, दो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, तो ए ऑफ 0 पे भी 1 है और ए ऑफ 1 पे भी क्या है, 1। ठीक है, अगेन एक दफा इसको रन करते हैं, एरे क्रिएट करते हैं विद 15 वैल्यूज, 1, 2, 3, 11, 7, 89, 6, 12, 4, 15, 82, 55, 71, 19 and 20। After sorting, array contains, this is the implementation of bubble sort. इससे पहले मैंने आपको इसका एल्गोरिथम पढ़ाया, now this is the implementation of bubble sort in C language. ठीक है, if you have any question या कोई भी confusion है, you can ask in the comment box, और आप पूछ सकते हैं मुझसे। Thank you so much.